बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट मुकाबला एडिलेड में 6 दिसंबर से शुरू होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एडिलेड के पिच और मौसम का मिजाज, साथ ही पिच क्यूरेटर ने पिच को लेकर क्या कहा है और भारतीय टीम की तैयारी कैसी चल रही है, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में अंत तक। सबसे पहले एडिलेड पिच का हाल जान लेते हैं। एडिलेड ओवल की पिच हमेशा चर्चा में रहती है। इस बार भी क्यूरेटर डेमियन हॉफ ने इसे बैलेंस बनाने की बात कही है। पिच पर 6 मिलीमीटर घास छोड़ी जाएगी, जिससे तेज गेंदबाजों को स्विंग और सीम में मदद मिलने वाली है। क्यूरेटर ने कहा कि रोशनी कम होने या बादल छाए रहने पर तेज गेंदबाज और खतरनाक साबित हो सकते हैं, लेकिन स्पिनर्स और बल्लेबाजों के लिए भी यहां पर मौके बने रहेंगे। वहीं बता दें कि पिछली बार जब भारतीय टीम ने एडिलेड में टेस्ट मैच खेला था तो टीम इंडिया मात्र 36 रनों पर ढेर हो गई थी। ये टेस्ट इतिहास में भारत का सबसे कम स्कोर है, लेकिन इस बार टीम का कॉन्फिडेंस भी काफी अच्छा है और टीम पिछली बार का बदला जरूर लेना चाहेगी। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। एडिलेड में 6 दिसंबर को गरज के साथ बारिश होने की 88% संभावनाएं जताई जा रही हैं। पहले दिन की स्थिति तेज गेंदबाजों के लिए मददगार साबित हो सकती है। ऐसे में भारत को सतर्क रहना होगा, खास करके नई गेंद के खिलाफ। अगर जो भी कप्तान यहां पे टॉस जीतता है वो मौसम को ध्यान में रखते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला भी ले सकता है। गेंद स्विंग और सीम करेगी, लेकिन ये पिच के कारण नहीं बल्कि वेन्यू की कंडीशन के कारण होगा। डेमियन हॉफ ने बताया, इतिहास बताता है कि एडिलेड में रोशनी में बल्लेबाजी करना काफी मुश्किल है। पिच पर 6 मिलीमीटर घास होगी। हम ऐसी पिच बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर अच्छा मुकाबला हो। पिछली बार जब भारत यहाँ खेलने आया था तो पिच ने 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म करने में कोई भूमिका नहीं निभाई थी। तब ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी वाकई में काफी अच्छी थी। खेल के लिहाज से इसमें सभी के लिए कुछ न कुछ है। मैं खुश हूँ, मैं बस एक अच्छा मुकाबला चाहता हूँ। अब भारत की तैयारी और पिछले प्रदर्शन को देखा जाए तो भारत ने सीरीज का पहला टेस्ट पर्थ में 295 रनों के बड़े अंतर से जीत कर इतिहास रचा था। यह रनों के अंतर से ऑस्ट्रेलिया में भारत की सबसे बड़ी जीत थी। वहीं पर्थ मैदान पर ऑस्ट्रेलिया पहली बार हारा था। इस जीत में मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी। वहीं यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और विराट कोहली ने बल्लेबाजी में भी शानदार प्रदर्शन किया था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में पहुंचने के लिए भारत को यह टेस्ट भी जीतना काफी जरूरी होगा। केएल राहुल और जायसवाल ने पर्थ टेस्ट मैच में बेहतरीन पारी की शुरुआत की थी और अभ्यास मैच में भी इस जोड़ी ने 75 रन जोड़े थे। क्यूरेटर के मुताबिक ये पिच सभी के लिए कुछ न कुछ लेकर आएगी। तेज गेंदबाजों को मदद, स्पिनर्स को टर्न्स और बल्लेबाजों के लिए रन बनाने के मौके होंगे। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या भारत एडिलेड में 2020 की हार का बदला ले पाएगा और कौन से खिलाड़ी इस टेस्ट मैच में छाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये थी एडिलेड टेस्ट मैच की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि ऐसी शानदार अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में।